मंत्री नरोत्तम मिश्र ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार में पूरे लॉकडाउन में 3 महीने का राशन दिया गया, प्रवासियों को घर तक छोड़ने का प्रबंधन किया गया। प्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी हमारे यहाँ शुभंकर माने जाते हैं। कोई भी शुभ काम पूरा होने के पहले मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गण ध्वज, मंगलम पुनारी कांक्षम, मंगलाय तनो हरि सदा। हमारे द्वादश गणेश जियों की आज अलग अलग स्थापना होती है, अलग अलग विसर्जन भी होता है, और इसलिए आज के शुभ काम द्वादश गणेश जियों की भी। प्रथम वक्र तुंग च देख दंत द्वितीय कम, तृतीय कृष्ण पंगाक्ष गजभक्तम, चतुर्थकम लंबोदरम, पंचम च षष्ठम विकटमेव च, सप्तम विघ्न राजेन्द्रम धूम्रवर्ण तथाष्टमम नमम भालचंद्रम च, दशम तु विनायकम, एकादशम गणपति, द्वादशम तु गजानन। देखो ये कांग्रेस की तो लीला अपरंपार है, उनके नेताओं की लीला अपरंपार है। आज मैंने पढ़ा उनके नेता कमलनाथ जी का बयान के गांधी की नीति और संविधान पर खतरा है। ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस पर खतरा है, खतरे में ना तो संविधान है ना गांधी है, खतरे में कांग्रेस है। उस पर ध्यान दें तो समझ जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो बाहर निकलो, टीवी और ट्विटर पर राजनीति कर रहे हो। हमारे मुख्यमंत्री रात रात भर बाढ़ में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, एक नेता नहीं निकल रहा, एक नेता। अचंभा है, उसके बाद सितम ये है कि आलोचना कर रहे हो। और पता नहीं आप लोगों का ध्यान इस बात पे क्यों नहीं जा रहा है, भाई ए टीम नहीं निकल रही तो बी को भेज देते, सी को, हालांकि टीमें बची नहीं है अब। ये सच है कि वहां पर व्यक्तियों का टोटा है, लेकिन अच्छा हो कि एक हाथ बार तो निकल जाओ, अब तो उतर गया है, अभी चले जाओ। कांग्रेस ने के करके सभी ब्राह्मण नेताओं को 60% का भागा गया। भारत के ऊपर उंगली उठाना आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वभाव हो गया है। भारत को कैसे कमजोर बताना ये उनकी आदत हो गई है। जीडीपी भारत की गिर रही है, अरे थोड़ा इटली पे नजर मान लेते हैं, अपने नाना के यहाँ 39% जीडीपी गिरी है, भुखमरी के कगार पे है पूरा इटली, पर वहां ध्यान नहीं गया, भारत पे चला गया। ये वैश्विक मंदी का दौर है, कोरोना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, विश्व के अंदर कोरोना है। राहुल गांधी जी को ये नहीं दिखा कि इस 24% 23% की मंदी के दौर में भी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने। 3-3 महीने का राशन लॉकडाउन के पीरियड में हर गरीब के घर पर पहुंचा, उसके बाद फिर 2 महीने का पहुंचा, उसके बाद में पहुंचा 10-10 हजार रुपए वेंडरों के खातों में पहुंचाए जा रहे हैं। उस समय जो लेबर लौट के आई थी, प्रवासी मजदूर लौट के आए थे, तो हाथों से जूते चप्पल शासन और प्रशासन पहना रहा था। एक एक व्यक्ति के पूरे मध्य प्रदेश की सीमा में खाने की व्यवस्था और मध्य प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश की सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था ये सरकार ने की थी। उस लॉकडाउन के पीरियड में एक एक दाना गेहूं का मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा। जो आप मद्दी कह रहे हो उस मद्दी के दौर की बात कर रहे हैं। कभी विश्व की तरफ देखना नहीं, कभी इटली की तरफ देखना नहीं। एक उंगली जब हमारी तरफ उठती है तो 3 आपकी तरफ भी उठ जाती है, कांग्रेस के नेता लोगों। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।